डिज्नीलैंड पेरिस में रचाई इंडियन वेडिंग, राजकुमारी की तरह हुई एंट्री। हर लड़की किसी महल की राजकुमारी बनने के सपने देखती है, कभी अलादीन की जैस्मिन तो कभी सिंड्रेला, ऐसे ही ख्वाब देखकर हर लड़की बड़ी होती है। यही नहीं, उनका राजकुमार किसी सफेद घोड़े पर चढ़कर आएगा, ऐसा वो जरूर सोचती है। कुछ ऐसा ही सोचा था रियल ब्राइड अनिशा ने, और उसका यह सपना उसके लाइफ के सबसे स्पेशल मौके पर पूरा भी हुआ है। जी हाँ, अनिशा और उनके दूल्हे वरुण ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए डिज्नीलैंड पेरिस को चूज किया। सारी थीम डिज्नी के कार्टून पर निर्धारित थी। आइए आपको इस ग्रैंड डिज्नी शादी की एक झलक दिखाते हैं। सबसे पहले बता दें कि अनिशा ने भारतीय तरीकों से भी फेरे लिए और ईसाई तरीके से भी शादी रचाई। फिर उनका एक ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। तो अनिशा के कुल मिलाकर 3 लुक्स है जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी शादी के दिन की। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने पीच कलर के आउटफिट में ग्रैंड एंट्री की। ग्रूम डैशिंग पीच शेरवानी में, गॉगल्स लगाए, पगड़ी पहने हुए और डांस मूव्स करते हुए अपनी तशरीफ लेकर पहुँचे। वहीं दुल्हन फूलों से सजी पालकी पर राजकुमारी की तरह पीच लहंगे में 16 श्रृंगार के साथ और अपने 6 रक्षक के साथ पहुँची। ब्राइड और ग्रूम बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। बाराती और मेहमान मिलकर खूब मस्ती कर रहे हैं। सजावट पूरी तरह से भारतीय रखी गई है, मगर डिज्नी का तड़का देकर ऐसा लग रहा है मानो इस शादी का भी एक एपिसोड टीवी पर प्रसारित होगा। अनिशा और वरुण दोनों ही रॉयल अंदाज में उस आइकॉनिक महल के सामने खड़े हैं जिसे डिज्नी का सिंबल माना गया है। अनिशा और वरुण ने अब वेस्टर्न वेडिंग आउटफिट वियर की है। अनिशा ने व्हाइट वेडिंग गाउन पहना है, वो बेहद खूबसूरत लग रही है। इस शादी का आखिरी स्टेप था रिसेप्शन, और इस समारोह में मिक्की और मिनी माउस दोनों ब्राइड ग्रूम के साथ डांस करने आए हैं। अनिशा ने पीच रफल गाउन वियर किया है, वहीं ब्लैक डोपर अवतार में दूल्हे राजा ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण पहले ऐसे दूल्हे हैं जो अपनी शादी में इतने ठुमके लगा रहे हैं।